रंगों के त्योहार को लेकर जहां देश भर में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं रंग गुलाल और पिचकारियों के लिए बाजार सज चुके हैं। वहीं उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सोमवार से होली के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार सुबह भस्म आरती में यहां 1.25 क्विंटल फूलों से होली खेली गई। उज्जैन में होली के त्यौहार की शुरुआत बाबा महाकाल मंदिर से होती है, जहां सबसे पहले भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्चना कर उन्हें फूलों से होली खिलाई जाती है, जिसके बाद पूरे शहर में होली का जश्न शुरू होता है। मंदिर में होली के पहले भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती की गई, जिसके बाद दुग्ध अभिषेक हुआ और फिर शुरू हुआ होली खेलने का सिलसिला, जिसमें मंदिर पुजारियों द्वारा भगवान महाकाल को फूलों से होली खिलाई गई। देश भर में सबसे पहले होली का दहन बाबा महाकाल के आंगन में ही किया जाता है। इस दौरान भजन संध्या का आयोजन होता है, जिसमें भक्त नाचते गाते हुए होली का त्यौहार मनाते हैं। आज होली का दहन प्रातः काल भस्म आरती में भगवान महाकाल को फूलों की होली से आज त्यौहार का आरंभ हुआ है। शाम को होली का दहन होगा, वो भी प्रथम महाकाल मंदिर प्रांगण में होली का दहन होगा। उसके बाद भजन संध्या है, अधिक से अधिक वो भी शाम को भी फूलों की होली है, भगवान को गुलाल से होली खेली जाएगी। खबर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।